तो आज का हमारा टॉपिक मेस्टाइटिस है। तो ये मेनली ब्रेस्ट टिश्यू जो है उसके अंदर इन्फेक्शन मतलब संक्रमण और उसके कारण से इन्फ्लामेशन की कंडीशन होती है, उसी को मेस्टाइटिस कहा जाता है। मेस्टाइटिस ऐसी माँ जो स्तनपान कराती है तो उनमें ज़्यादा होता है। मेस्टाइटिस जो है उसका मुख्य कारण जो है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, मतलब जीवाणु जो है उसका संक्रमण हो जाए उसके कारण से। इन्फेक्शन जो होता है वो मेनली क्रैक्ड निप्पल जो होते हैं, मतलब निप्पल जो है उसके ऊपर कोई क्रैक होता है या दरारें होती है, उन दरारों से जाता है। एक हाइपरलैक्टेशन की कंडीशन होती है जिसमें ब्रेस्ट मिल्क जो है उसका निर्माण बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें मेस्टाइटिस की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा कुछ और कारण जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं, जैसे हार्मोनल चेंजेस जो हो रहे हैं जिसमें प्रोलैक्टिन का स्रावण ज्यादा हो रहा है, ब्रेस्ट इंजरी जो है उसके कारण से, या फिर ब्रेस्ट से मिल्क निकालने के लिए जो पंप का इस्तेमाल किया जा रहा है उस पंप का इस्तेमाल फोर्सफुली किया जा रहा है, टाइट ब्रा पहनने के कारण या टाइट कपड़े पहनने के कारण से भी ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो डैमेज हो सकता है। इसके अलावा यदि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो नहीं करवाई जाती है या कोई माँ जो होती है वो एक साइड ही ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, मेस्टाइटिस जो है उसके साइन एंड सिम्टम या इसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो एक तो ब्रेस्ट के अंदर पेन होता है, मतलब ब्रेस्ट जो उसके अंदर दर्द होता है, ब्रेस्ट में पेन होना उसको मेस्टाल्जिया कहा जाता है। ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस हो सकती है, मतलब स्तन के अंदर खिंचाव जो है वो हो सकता है। एक ब्रेस्ट जो है वो रेड हो सकता है कि ब्रेस्ट की स्किन जो है लाल कलर की हो जाती है। इसके अलावा ब्रेस्ट जो है उसके अंदर गर्माहट महसूस हो सकती है या ब्रेस्ट को छूने पर वो गर्म जो है वो महसूस हो सकता है। साथ ही ब्रेस्ट जो है उसके अंदर स्वेलिंग जो है वो भी हो सकती है कि ब्रेस्ट का जो है उसका आकार बढ़ जाएगा, उसके अंदर स्वेलिंग जो है वो मिल सकती है। इन्फेक्शन हो रहा है उसके कारण से फीवर जो है वो भी आ सकता है महिला को। इसके अलावा जनरलाइज मलेज हो सकता है, मतलब शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा थकान या शरीर में दर्द जो है वो हो सकता है। एक ब्रेस्ट जो है उसके अंदर एनलार्जमेंट हो सकता है, निप्पल जो है उससे डिस्चार्ज हो सकता है, और निप्पल से डिस्चार्ज जो होता है वो पस का होता है। ब्रेस्ट एब्सेस सिंपल एक कंडीशन होती है जिसमें ब्रेस्ट जो है उसके अंदर पस का कलेक्शन हो जाता है। ये ज़्यादातर मेस्टाइटिस जो है उसके कॉम्प्लिकेशन के कारण से हो सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट में एक तो इन्फेक्शन हो रहा है उसके लिए एंटीबायोटिक जो है वो काम में ली जाती है। एंटीबायोटिक के अंदर कॉमनली एमोक्सिसिलिन है, सिफेलेक्सिन है, एथ्रोमाइसिन है, इत्यादि काम में लेते हैं। सेकंड, दर्द जो है इसको कम करने के लिए एनाल्जेसिक जो है वो काम में लिया जाता है। एनाल्जेसिक में जैसे कि आइबुप्रोफेन है, डाइक्लोफेनेक है, एसिटामिनोफेनेक है इत्यादि। फीवर जो है उसको कम करने के लिए पैरासिटामोल जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा ब्रेस्ट जो है उसके अंदर पेन जो हो रहा है उसको कम करने के लिए गर्म कपड़ा जो है वो गर्म करता है, गर्म करने के बाद कपड़े जो है उससे उसकी सिकाई की जाती है। ठीक वैसे ही स्वेलिंग जो हो रही है सूजन उसको कम करने के लिए कोल्ड कंप्रेस जो है वो भी दिया जाता है, मतलब बर्फ जो उससे सिकाई की जाती है। यदि एब्सेस फॉर्मेशन हो गया है तो उस कंडीशन के अंदर इंसिजन मतलब चीरा लगाया जाता है, और चीरा लगाने के बाद अंदर जो पस इकट्ठा हो गया है उस पस को बाहर निकाला जाता है। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।